Hi hello, namaskar. Those who want to listen it in English, it will be definitely available in the later part of this video. दोस्तों आपको याद है कि मैं एक वीडियो बनाया था जहाँ पे थोड़ा सा नाराज़गी जताया था आप लोगों के प्रति, क्योंकि आप लोगों की जो शीयर डेडिकेशन थी, जो मैंने आई थिंक एट ए स्ट्रेच लगातार 5 दिनों में देखा था, और अचानक एक नोटिफिकेशन आता है कि हम डेफर करवा रहे हैं, और उसके अगले दिन आप लोगों की जो मॉक टेस्ट जो आप सेंड करते थे मार्क्स, वो अचानक सा बंद हो जाता है। अब पिछले कुछ दिनों से अब थोड़ा सा फिर से स्टार्ट हो गया, तो मुझे काफ़ी खुशी है उस बात पे। लेकिन एक चीज़ जो आपको ध्यान रखना चाहिए कि ये रैंडम हो रहा है, और रैंडम किस बात की? रैंडम इस बात की कि आप जो मॉक्स तो दे रहे हैं, लेकिन उसको आप एक फॉर्मुलेट नहीं कर पा रहे हैं, आप उसको एक मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। अब देखिए, मैं बताना क्या चाहता हूँ, अगर आप चाहते हैं तो इस पर डिटेल मैं बताऊँगा लैपटॉप की स्क्रीन पे, और आपको दिखाने का कोशिश करूँगा कि कैसे मेंटेन की जाती है। अब क्या होता है ना कि हम देते तो हैं मॉक टेस्ट, लेकिन हम क्या दे रहे हैं, क्या मार्क्स आ रहा है और कब से दे रहे हैं, एक फॉर्मुलेशन अगर आपके सामने होता है तो वो आपको कॉन्फिडेंस भर देता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं जब तैयारी कर रहा था तो मेरे को उतना समझाने के लिए कोई नहीं था, तो मैं एक शीट पेपर खरीद के उस पर अपना जो भी है एक मेंटेन करके आपको एक वीडियो में भी दिखाया हूँ, वो वहाँ से शायद शुरुआत होता है 50 मॉक टेस्ट का फॉर्मूला। मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए आज का डेट है डिजिटलाइजेशन का, राइट, और डिजिटली हम कैसे रिकॉर्ड को मेंटेन कर सकते हैं। मैं आपको बताऊँ कि MS Excel बजाइए, टू डू लिस्ट जो है उसको तैयार करिए, और अगर वो भी नहीं हो पा रहे तो गूगल शीट बना के आप लोग उस पे काम कर सकते हैं। और आप ना, आप मुझे जो भेज रहे हैं, मुझे काफ़ी खुशी हो रहा है उस बात पे, इंस्टाग्राम पे लोग भेजते हैं मेरे को, जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ, इंस्टाग्राम पे भेजते हैं SFY_Ashish, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं इस बार क्या करूँगा, जिसका 80+ आएगा उसको अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी में टैग करूँगा। आप लोग उसको मार्क्स देने के बाद मुझे टैग करिए, अगर आपका अच्छा आता है तो मैं उसको अपने स्टोरी पे डालूंगा, इससे आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ेगी। उसको मैं टेलीग्राम पे भी डालूंगा, इससे आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ेगी। अब दूसरा ये है, आप अभी क्या करेंगे, शीट बनाएंगे, लेकिन वो शीट 5-5 मॉक टेस्ट देने का शीट होगा, यानी 5 मॉक टेस्ट देंगे और उसके बाद मुझे भेजेंगे, क्योंकि एट ए डे 40-50 लोगों का देखना, ध्यान से देखना कि कहाँ पे वो लैग कर रहे हैं, मेरे लिए मुश्किलात हो सकता है। तो आप इसको एक शीट बनाइए, मैं बिल्कुल बकायदा इस पर एक वीडियो बनाऊंगा कि शीट कैसे मेंटेन की जानी चाहिए, राइट, वो आपको बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस भरेगा, मेरा यकीन मानिए आप लोग, ये काफ़ी लोगों को मदद करता है, राइट। तो इसको मैं अगर आप चाहें तो डेफिनेटली इस पर वीडियो बनाता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ आज रात को वीडियो डाल दूँ। चलिए इस बात को मैं इंग्लिश में दोहरा देता हूँ। Sad the moment when I opened my Instagram account and was checking, and I suddenly saw that there were no messages, right? Yes, it happens sometime that you get demotivated, but more than that, more than the reason of demotivation, I feel the proper schedule and the proper maintenance, the proper formulation of what you are doing, I think that is a very important factor, right? Now, what I am speaking to you, I know everyone is working hard, every one of my subscribers, they are working hard, but what is the problem, where my subscribers are lagging, and the main point where they are actually going back is the thing that their formulation is not up to the mark. Whenever you are giving a mock test, you are sharing your marks, that's up to the my satisfaction level, but what's happening, it's happening like something which is going very random, right? Do one thing, if you definitely want, then I will be publishing a video on how to make a to-do list on the maintenance of the sheets, or the maintenance of the mock test marks, or the daily activities that you are going through, and how are you keeping the record of those daily activities, right? I'll be making a video on that, definitely. You can expect the upcoming video will be on that topic only. But my only simple suggestion through this video is that whatever you are doing, you should keep a record, right? When I was preparing, when I was going through the number of mock tests in my time, we did not have that idea or the concept of formulating it in an MS Excel sheet or on online mode, right? So I will suggest you,
This is the era of digitalization. Go for the digital mode of maintaining the record of the daily activities, whatever you are doing. And after every 5 mock tests, send me those, right? It may be in the form of MS Excel, it may be in the form of Google Sheets. And whosoever gets more than 80 marks, I'll be definitely tag me on your Instagram account. I'll be sharing it in my story. I'll be sharing it in my Telegram. Definitely, you will be motivated. So everything what we are doing is only for the enhancement of your motivation level. It should not go down, and rather the graph should be increasing in this way, right? So expect the video on formulation on how to do or how to maintain that record in my upcoming video. So milte next wale video pe. Follow me on Instagram, follow me on Telegram, follow me on YouTube channel. If you are new to this channel, you have not subscribed to this channel, do follow me. Milte next wale video pe. Tab tak le jai Hind Jai Bharat, shab aakhir, love you, love nasihat ko bilkul dhyan rakhiyega. Namaskar.